आती है हम लोग में। नाम तो लोग देखी देखी सर। रैकी सर कैसी रही यात्रा? हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ से सर आ रहे हैं? अभी तेरी यादों में की सफल हमारा हूँ और तेरी यादों से की सफलता के बाद आप अपने दर्शकों के लिए नया क्या लेकर आए? देखो वरुण, ऐसा है कि मैं लीग पे चलने वाला सिंगर और राइटर हूँ। हर बार कुछ ना कुछ नया अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। किशोर कुमार का फैन हूँ और अगले महीने होली, होली पर मैं एक ज़बरदस्त गाना लेकर आ रहा हूँ, छोरे छिछोरे, जिस पर कि आपके पैर नहीं। और साथ में 8 तारीख को है शिवरात्रि और सब जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, भोलेनाथ का एक बहुत प्यारा सा भजन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा सैड सॉन्ग आएगा जो कि मरहम और तेरी यादों से भी ऊंचा है। उसका टाइटल है दर्द 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 बस याद में, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मिस्टर आर स्वामी, जिन्होंने बादशाह, हनी सिंह, बब्बू मान, शहरी मान, ना जाने कितने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया है और उनको ये गाना बहुत पसंद है। तो आने वाले दिनों में आपको भजन हमेशा बीच बीच में और साथ के साथ अलग अलग तरह के अलग अलग जॉनर के गाने, रोमांटिक, हिप हॉप, क्लासिकल, सब कुछ मिलता है। अच्छा, ये मतलब ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ वॉइस में रहेंगे या कि इनके वीडियो फॉर्मेट भी आएंगे? नहीं, वीडियोज भी आएंगे, कुछ की मैं लिरिकल दूंगा, कुछ मैं ऑडियो रिलीज करूँगा, जितना हो सकेगा वीडियोज़ भी आ रहे हैं। होली का वीडियो हमारा होली से पहले ही आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़े अच्छे लेवल पे हम उसे शूट कर रहे हैं। अभी दर्शकों का थोड़ा सा और म्यूजिक सुनने वालों का भी मूड थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा सा भक्ति में माहौल हुआ, तो आपका कुछ ऐसा? भैरव जी का भजन, हनुमान जी का भजन, राधा कृष्ण का भजन, माता का भजन, सब कुछ आ रहा है। आप चिंता मत करिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है।